Now children, let's move on to the next chapter, which is chapter number 13 and the name is Modern Indian Scientist. तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे इंडियन साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स किए हैं, हमारे लिए बहुत सारी चीज़ों को क्या किया है, इन्होंने डेवलप किया है, ढूंढा है. सो रीड अबाउट द इंडियन साइंटिस्ट हु हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट टू द इंडियन साइंस. इंडिया इंडियन साइंस पे बहुत सारे इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है. आइडेंटिफाई देम एंड राइट देयर नेम्स. तो इन्हें चलिए पहचानते और इनके नाम लिखते हैं. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे लिखा है और यहाँ पिक्चर भी बनी हुई है. ही इज एन इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन एंड स्टैटिस्टियन. ये इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन है, स्टैटिस्टियन है एंड ही वॉज अवॉर्डेड द US नेशनल मेडल फॉर साइंस इन 2002. इन्हें जो है US नेशनल मेडल मिला था साइंस के लिए 2002 में. The Times of India listed him as one of the top 10 Indian scientists of all time. Times of India ने इन्हें क्या घोषित किया? Top 10 scientists में इनका नाम आया. The American Statistical Association has described him as the living legend. The American Statistical Association ने इन्हें living legend के नाम से उपाधि दी है इस चीज की. whose work has influenced not just statistics. Statistics जो सब्जेक्ट है उसको ही ना इनके वर्क ने इन्फ्लुएंस किया, उसके अलावा has had far reaching implications for fields or as varied as economics, genetics, anthropology, geology, national planning, डेमोग्राफी, बायोमेट्री एंड मेडिसिन. तो सिर्फ स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में इन्होंने नाम नहीं कमाया, उसके अलावा इन्होंने इन सारे फील्ड्स में जिनके नेम यहाँ मेंशन है इन सब फील्ड्स में नाम कमाया. तो कौन है ये साइंटिस्ट? यू हैव टू आंसर. सो चिल्ड्रेन, ही इज CR Rao एंड हियर यू कैन सी द पिक्चर. नाउ चिल्ड्रेन, लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड साइंटिस्ट. He is an Indian-born American physicist. ये Indian-born American physicist हैं and best-selling author. और ये बहुत बड़े author भी हैं, books भी लिखते हैं. He was the first student to receive PhD degree. ये पहले student थे जिन्हें PhD की degree मिली थी from the Indian Institute of Technology, IIT से, IIT Kharagpur से. In quantum physics in 1958. और किस फील्ड में मिली थी? क्वांटम फिजिक्स में मिली थी. He is the official partner of the International Year of Astronomy. और ये ऑफिशियल पार्टनर हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्ट्रोनॉमी के भी. इनका नाम है मानी लाल भौमिक. नेक्स्ट थर्ड वन इज ही इज अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट एंड मैकेनिकल इंजीनियर. ये एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट है और मैकेनिकल इंजीनियर भी है. ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग इंडिया अ न्यूक्लियर पावर. इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया था इंडिया को एक न्यूक्लियर पावर बनाने में. ही लेड इंडियाज रोड टूवर्ड्स सेल्फ रिलायंस ऑन थोरियम एज अ फ्यूल फॉर न्यूक्लियर एनर्जी. तो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए इन्होंने थोरियम को एज अ फ्यूल यूज करके दिखाया. ही वॉज द चेयरमैन इन द रिपोर्टेड एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया. तो इंडिया का जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है वहाँ पर ये क्या है, एज अ चेयरमैन भी रह चुके हैं. एंड ही इज डॉक्टर अनिल काकोदकर. Now children, let's move on to the next scientist. He was awarded the Shanti Swaroop Bhatnagar Prize for Science and Technology. तो ये जो scientist है इन्हें Shanti Swaroop Bhatnagar Prize मिला था Science and Technology में in Chemistry by the Council of Scientific and Industrial Research. किससे मिला था? Scientific and Industrial Research से. And he started as a research associate at the Massachusetts Institute of Technology.
और ये मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एज अ रिसर्च एसोसिएट भी काम कर चुके हैं एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और यहाँ पे भी ये वर्क कर चुके हैं. He has also served as professor and head of the department of chemistry in a HOD ki bhi post as a professor and HOD ki dono ki post mil chuki hai of chemistry at the Indian Institute of Technology Kanpur IIT Kanpur mein and he is Animesh Chakravorty. Fifth one, he was the director of Energy and Environment Technologies. ये कौन है? ये director है Energy and Environment Technologies Division at Lawrence Berkeley National Laboratory. तो यहाँ पे ये जो है as a director work कर चुके हैं. इसके अलावा he worked as a professor of Civil and Environmental Engineering at the University of California. तो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में ये एज अ सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियर भी वर्क कर चुके हैं. ही स्पेशलाइज इन हीट ट्रांसफर फ्लूइड डायनामिक्स एंड डिज़ाइन फॉर डेवलपमेंट. तो इन फील्ड्स में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा नाम कमाया है एंड हियर इज़ अ पिक्चर एंड द नेम इज डॉक्टर अशोक गडगिल. Now children, here are some more scientists. Let's read about them. The sixth scientist is, he is an Indian chemist who has worked mainly in the field of solid state and structural chemistry. तो ये एक ऐसे Indian chemist हैं जिन्होंने solid state और structural chemistry दोनों में workout कर लिया है and he has honorary doctorates from 60 universities from all around the world. तो पूरी दुनिया में से इन्होंने 60 यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट हासिल की है. ही इज़ द रिसिपिएंट ऑफ इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न. भारत रत्न अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है. ही शेयर्ड हिज अवार्ड विथ लेजेंडरी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और इन्होंने ये अवार्ड सचिन तेंदुलकर के साथ शेयर किया था. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू नेम दिस पर्सन फ्रॉम द नीड हेल्प बॉक्स. Next, seventh one is, he is an Indian scientist and the chairman of the Indian Institute of Engineering, Science and Technology, Shippur. तो ये क्या है? ये एक Indian scientist है और chairman है किसके? Indian Institute of Engineering, Science and Technology के. Having taken the position in December 2014 में इन्होंने ये position ली थी. He is chairman of the Indian Institute of Space Science and Technology. और ये chairman है Indian Institute of Space Science और Technology के. He previously served as chairman of the Indian Space Research Organization. और ये जो है पहले chairman थे Indian Space Research Organization के, means ISRO के. He has held several positions in ISRO and was one of the key people behind India's Chandrayaan 1 moon mission and Mars orbiter mission. तो इन दोनों missions के ये main person थे. इन्होंने इन दोनों missions में काफी योगदान दिया था. So what is his name? Find out from the need help box and complete it.